Academy. You know the whole concept, I think it's very interesting because cricket is the religion in this country. And definitely I think it is going to be a successful concept. And of course, I have a couple of friends in the Jaipur team, so I'm definitely going to support and give them my blessings. And I think it is going to be a lot of fun, so I'm definitely going to watch that. I can't hear you. Jersey ka launching ke bare mein. Okay, the tracksuit, the colors and all the stuff, yeah, red is really, really good and I think it's fitting to the colors of the Jaipur team. So I think they have done really great concepts and they have worked really hard to make everything looks really specific and really great. Yeah, I signed one movie, which definitely will be announced soon. Thank you so much. और मैं हरदील अजीज और सबके चहेते कलाकार और बहुत प्यारे इंसान राजू श्रीवास्तव को मैं बुलाना चाहूंगा. तो यकीन है तालियां रुकेंगी नहीं, तालियां रुकना नहीं चाहिए. तालियों से याद आया भाई कैसे अरे ये मामूली इंसान नहीं है. ये गोबर सिंह को बता देता है गाय की उम्र क्या है. एक आजकल बाबाओं का भी बहुत जोर है अपने आप. एक है उनका तो मैं नाम ही नहीं लेता, उनका मैंने नाम बदल दिया है ऐशो आराम बाबा. दिल में सुहा एक आदमी पहुंच गया निर्मल बाबा के दरबार. आपने तालियों की बात की, वहीं से मैंने पकड़ लिया. निर्मल बाबा के दरबार पहुंच गया. बाबा बाबा बहुत कष्ट है बाबा, पत्नी सुख नहीं है बाबा, बाबा है बाबा. बाबा बोले राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी प्रोग्राम देखते हो? हाँ बाबा देखते हैं. जब देखते हो तो आनंद आता है? हाँ बाबा आनंद आता है. ये फिजा, ये फिजा तो ताली बजाया था बाबा. हंसते हंसते ताली बजाना भूल गए, बस कृपा वहीं अटक रही है. कामया की और राजू की क्रिकेट टीम को शुभकामना देने हम सारे कलाकार आए हैं. क्रिकेट से याद आया, इधर हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन जो मेरा कैरेक्टर भी है गजोदर, गजोदर बोला भैया का ऐसा मैच देखा टेलीविजन पे एकदम गजब है रहा. हर गेंद पे या तो चौका या तो छक्का या आउट, दो रन तीन रन का लफड़ा नहीं रखे और 45 मिनट में खत्म. दूसरा वाचन बोला राजू भाई आप जाओ ना गांव के चक्कर में, उसने हाईलाइट देखा है. लेकिन राजू भाई मैं बताना चाहूंगा कि उसने हाईलाइट देखा था लेकिन बीसीएल सच में ऐसा दुक्के तिक्के का चक्कर नहीं है. वहां ये चौका लगता है छक्का लगता है आउट होता सच में. अच्छा ऐसा है, मतलब तुरंत दूसरे प्रोग्राम को देखना शुरू कर सकते. एक का सुना तो नहीं, एक का एक बार दोनों अंपायर टॉस के लिए जा रहे थे, कैप्टन को लेके जा रहे थे टॉस के लिए. अब अंपायर को मालूम नहीं एक कैप्टन हकला है, बोले अटकता है, इसने कॉइन उछाल दिया. हाँ बोलो यही वाला. सो आज जिस तरह से हम लोगों को
माइक तो बुलाया गया है। मुझे याद है हम लोग जब बिहार या थे गांव में जाते थे प्रोग्राम करने, तो वहाँ हम लोग का प्रोग्राम हो गया, हम लोग अपने अपने रूम में चले गए। फिर गांव के प्रधान बोलते थे, अभी खाने में क्या देरदार है? लोग बैठे खाना शुरू नहीं हुआ, खाने में क्या देरदार है? तो बोले अभी तो चढ़ाया है चावल, लोग बोर हो रहे हैं, जो प्रोग्राम कर चुके उनको फिर बुलाओ। तो लग रहा है उसी तरह से चैनल्स जैसे रोज बढ़ते जा रहे हैं, ये तो अच्छा है, सारे आर्टिस्ट को काम मिल रहा है ना, सबके मुखौटे सामने आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें ये भी है कि जाहिर है जब बहुत चैनल हो जाएंगे, बहुत आर्टिस्ट हो जाएंगे, तो कोई एक सुपरस्टार नहीं रहेगा। लेकिन ये अच्छा है कि सबको काम मिल रहा है। याद कीजिए, अब एक ही चैनल था दूरदर्शन गरीब, जब भी लोग उसको ऑन करते थे हमेशा एक ही प्रोग्राम आता था। आज गांव के प्रधान रामू काका चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं इसके उपाय बताएंगे। जिनकी खेती नहीं थी वो बोलते अच्छा बताओ, क्योंकि दूसरा चैनल है नहीं, सब अकेले खेती वाले। और रात को 11 बजे सूट पहन के अनाउंसर आता था बड़ी तमीज के साथ, तब एंकर नहीं बोलते थे, अनाउंसर उद्घोषक बोलते थे, वो आता था सूट पहन के बड़ी तमीज से बोलता था, इस समय रात के 11 बजे हैं, आज हमारी अंतिम सभा समाप्त होती है, अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा, लोग इतना सीरियस लेते थे उसको कि अच्छे अच्छे लोग सर्दियों में रजाई से निकल उसको आज्ञा देने जाते। मेरे दादा खुद ही रजाई से निकले, अच्छा देखो जा रहा है विदा करते हैं, अच्छा जाओ बेटा आराम करो, कल भी नहा धो के आना जाओ। उनको लगता था जब तक आज्ञा नहीं देंगे जाएगा नहीं, इतना लोग ध्यान रखते थे। फिर चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, हा टीवी, डा टीवी, इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है एक शख्स है, उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा, वो है रिमोट। उसको मालूम है जिसके हाथ से लग गया कहां कहां लोग उंगली करेंगे मालूम है। तभी आप ज्यादातर देखिए, आप शूटिंग से जब घर आते हैं या ऑफिस से घर आते हैं तो देखिए आपको रिमोट जल्दी मिलता नहीं है, वो सोफे वोफे गैप में से छुपा रहते हैं, अंदर वो आ गया कमीना, अभी मुझे लेगा उंगली करना शुरू कर दिया। और एक बार में एक चैनल पे टिकेगा नहीं जब तक सारे चैनल खेल रहे। उसमें आपके गाने बहुत आते, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, एक्सीडेंट हो गया रबा रबा, इसीलिए तुम बैठो उस पार हम बैठे इस पार, आओ अपने भी एक्सीडेंट गोरी है कलाइयां, क्लासे मुझे हरी चूड़ियां। बहुत खूबसूरत ड्राइव किया विराट कोहली ने, नाउ इंडिया इज इन गुड पोजीशन 230 विदाउट लॉस। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री देश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया में पूरा मामला लग गया, चित्त के तय पर उन्ने चित्त है पर उन्ने है, ये इंपॉर्टेंट कहां जा रहे हैं? पिताजी सुनेंगे तो कितने नाराज होंगे, ये दूरदर्शन है।